Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we are going to cover our lecture number 15 of MGT301, Principles of Marketing. And basically we were covering model of customer buying behavior, and we covered maximum of that part. And today we are going to cover the buyer's characteristics or characters affecting that buyer behavior. And it is a very interesting topic. And as it is shown in the model also, that it is there are these four factors main जो कि इसको effect डालते हैं. These are the factors. और मैं ये model में बार बार इसलिए दिखाता हूँ कि आप लोगों को एक sequence के तरीके से चीज़ों को understanding level आपका ठीक है. तो इसमें आज ये चीज़ें हमने cover की थी पिछले topic में, और आज हम इसको further cover करेंगे. जैसे कोई model में ये cultural, social, personal, psychological and buyer behavior है. एक एक करके हमने बीच में कुछ टॉपिक हमने कवर भी किए थे, ये हमने कवर कर लिया था, ये भी कुछ चीज़ें कवर की थी, और जो चीज़ें उस मॉडल में बैलेंस हैं उनको हम साथ साथ कवर करते जाएंगे. अच्छा जी, देयर इज सोशल कल्चर पर्सनल और ये इकोनॉमिक सिचुएशन. इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है? एज एंड लाइफ साइकिल है, ऑक्यूपेशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन इटसेल्फ है, देन लाइफस्टाइल एंड पर्सनैलिटी. एक एज एंड लाइफ साइकिल क्या होता है? चेंज द गुड्स एंड सर्विसेज. देखो जिंदगी के हर मोड में एक छोटा बच्चा होता है, देन वो ग्रो अप कर जाता है, बड़ा हो जाता है, और इवन के मैरिज के बाद भी उसके लाइफस्टाइल जो है ना चीज़ों का चेंज हो जाता है. देन जितना मेच्योर होता जाता है उसके लाइफ साइकिल उस फैमिली के साथ एडजस्ट करता जाता है और चेंजेस आती जाती है. इवन पहले जो आप कहते हैं शुगर एक बना लेता है, उसमें हो सकता है दो चम्मच चीनी की ले रहा हो, लेकिन यदि पैसेज ऑफ टाइम, हेल्थ कंडीशंस और कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस की वजह से वो चीनी बाय एंड लार्ज लेना छोड़ देता है. तो इस तरह लाइफ स्टाइल में चेंजेस आते हैं. कपड़े आप देखें, छोटे बच्चे के कपड़ों का स्टाइल और होता है, बहुत ज़्यादा कलरफुल और इस तरह होते जाएंगे. जिस तरह यंग होगा उसमें अगेन कलरफुल और ट्रेंडी टाइप उस तरह के पहनेंगे, लेकिन जैसे जैसे वो इस एज फैक्टर बढ़ता जाता है लाइट कलर की तरफ वो बंदा जाता जाता है, और सोबर कलर और वाइट कलर के कपड़े टाइप इस तरह के पहनेंगे. तो इस तरह डिफरेंट लाइफ साइकिल में स्टेजेस में आपकी लाइफ स्टाइल चीज़ें चेंज होती जाती हैं. इस तरह ऑक्यूपेशन भी है, ऑक्यूपेशन भी आपके लाइफ स्टाइल को और ये जो बैंक पार और सारी चीज़ों को चेंज करता है. एक होता है ब्लू कॉलर वर्कर्स, एक होता है वाइट कॉलर वर्कर्स. वर्कर की हम बात, वो जो ब्लू कलर होते हैं, जो ऑन ग्राउंड जो लाइन मैनेजर होते हैं, जो काम करते हैं प्लांट्स पे या किसी जगह पे हाथों से काम करते हैं, तो उनके रगड़ ये रफ टाइप कपड़े ज़्यादातर आपको देखेंगे, रफ टाइप कपड़े उनके होते हैं, क्योंकि वो कपड़े गंदे होने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं, और वो होते भी हैं. तो इसलिए वो आप किसी गाड़ी का मैकेनिक देख लें, तो उसने जो कपड़े पहने हुए जो बड़े जो उसमें ऑयल भी लगा होगा, बड़े रफ टाइप कपड़े होंगे जो उसने पहने होंगे. वजह ये कि वो उसका नेचर ऑफ जॉब ऐसा है कि जिसमें ऐसा काम होता है. लेकिन जो वाइट कलर हैं जिन्होंने ऑफिस का काम करना होता है, इसमें मैनेजमेंट भी हो सकती है, और जो ऐसे लोग हैं उनको वाइट कॉलर वर्कर्स कहते हैं, जिनके के डिफरेंट वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ वर्किंग उनका डिफरेंट होता है. तो दोनों को ये अफेक्ट कर देता है. ये पर्सनल इकोनॉमिक सिचुएशन जो है ना उसके उसकी बाइंग पावर जो है ना डेफिनेटली वो चीज़ भी उसको अफेक्ट करती है कि उसके बाय क्या करें और क्या नहीं करें. लाइफ स्टाइल, हर बंदे का एक डिफरेंट लाइफ स्टाइल हो सकता है, लाइफ पैटर्न हो सकता है. आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग जो है ना वो उनके ड्रेस कोड ही टोटल डिफरेंट होता है. थोड़ा सा के लिए कहते मिडिल क्लास से हाई क्लास में आप चले जाएं, उसमें ये कि जो फर्ज किए किसी लेडीज की तरह, तो वो ये नॉर्मल शलवार कमीज वाला कल्चर नहीं होता, उनके डिफरेंट किस्म का एक कल्चर के कपड़े जो है वो यूजली वो पहनते हैं. ब्रांडेड कपड़े होंगे और ये जो बुटीक्स वाले कपड़े होंगे, या मे भी अगर पैंट शर्ट या कोई इस तरह में भी, वो डिफरेंट स्टाइल ही उनका डिफरेंट होगा वो कपड़ों का पहनने का. तो वो एक लाइफ स्टाइल डिफरेंट होता है. डेफिनेटली उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन सारी हर चीज़ एक दूसरे के ऊपर जो है डिपेंड कर रही होती है. इकोनॉमिक सिचुएशन ज़ाहिर उसकी अच्छी है तो उस तरह के जो महंगे ब्रांडेड और जिस तरह कपड़े पहनेंगे, पता लगे दो दो लाख की कुछ चप्पल पहनी हुई है. मुस्लिम मीडिया में, सोशल मीडिया में मतलब पोलिटिकल फिगर और करेक्टर्स के बारे में इस तरह की बातें आती भी, तो वो चीज़ें भी उस तरह की होंगी, उस तरह की वो चीज़ें मैटर करती हैं, दूसरे के ऊपर अफेक्ट आता है. खाने पीने का लाइफ स्टाइल भी उसी लिहाज से इन चीज़ों का अफेक्ट कर रहा होता है. देन प्रिंसिपल ओरिएंटेड कस्टमर्स और सेल्फ ओरिएंटेड कस्टमर, जिसमें प्रिंसिपल कंज्यूमर हैं, बाय बेस्ड ऑन व्यूज ऑफ द वर्ल्ड.
स्टेटस ओरिएंटेड बायर्स भी हो सकते हैं कि जो कि अपने स्टेटस के लिए चीजें रखते हैं। कई लोग उनको महंगी गाड़ियां सिर्फ इसलिए रखते हैं कि लोग उनको समझें कि ये बहुत वेल ऑफ और बहुत हाई फाई किस्म के लोग महंगी गाड़ियां पे वो रखेंगे। कई लोग जो अपेरेंटली जो घर में शायद इतना ज्यादा उनका नहीं है लेकिन पार्टियों में किसी के जाएंगे बड़े अच्छे और महंगे कपड़े पहन के जाएंगे उधर शो ऑफ के उनका बड़ा जी हाई लेवल के उनका वे ऑफ लिविंग। पर्सनैलिटी सेट कंसेप्ट में आ जाता है यूनिक साइकोलॉजिकल करेक्टर है टैली टू रिलेटिवली। ये मेज़लो हायरार्की ऑफ नीड में उस और नीड जो है ना उसमें भी आपको ये सारी चीजें दोबारा पे एक्सप्लेन करूंगा। तो देन आगे आगे आ गया जी फैक्टर में साइकोलॉजिकल। अभी ये बेसिकली हम चीजें चलते जा रहे हैं आगे से आगे तो आगे साइकोलॉजिकल आ गया फैक्टर हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात करते हैं। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर में आपका आ गया जी पहले मोटिवेशन है एज इट इज शोन ऑन द मोटिवेशन परसेप्शन लर्निंग बिलीफ एंड एटीट्यूड। तो ये आपकी चीजें आ गई हैं कि आ गया जी साइकोलॉजिकल मोटिवेशन आ गई और इसके बाद आपका आ गया जी मैज़लो हायरार्की ऑफ नीड जो है ना उसके एक पैरामीटर बनता है। वो पैरामीटर क्या चीज है इसमें कहते हैं कि जो मैज़लो की एक जो थ्योरी है उसके मुताबिक जो बंदे को सबसे पहले एक फिजियोलॉजिकली फिजिक्स आपकी जो सेहत है जिसम है उसकी रिलेटेड जो नीड्स हुआ होते हैं ना वो पहले उसको मैटर कर रही होती है जिसमें खाना पीना आ जाता है वार्म्थ रेस्ट सारी ये चीजें रहना खाना पीना रहना ये सारी है थी पहली नहीं यानी बेसिक नीड का एक हिस्सा है पार्ट ऑफ द बेसिक नीड। देन जब उसकी ये नीड पूरी हो जाती है उसमें मेजरों के मुताबिक ये है कि जब बंदे की एक नीड पूरी हुई थी उसको दूसरी नीड को वो फील करता है। जब ये खाना पीना रहना बिना उसका हो गया रेस्ट भी उसको मिल रही तो वो कहते हैं जी उसको सिक्योरिटी भी चाहिए सेफ्टी भी चाहिए। वो बात आ गई जब ये पूरी हो जाएगी तो वो कहते हैं जी हमें बिलोंगिंग्स एंड लव नीड्स ठीक है इंटीमेट रिलेशनशिप है फ्रेंड्स है शादी है सारा कुछ वो इसमें अंदर आ जाती है। ये साइकोलॉजिकल नीड्स में आगे चीजें ऐड होने लगती हैं। सेल्फ स्टीम है कि लोग उसको बहुत ही अच्छा समझें प्रेस्टीज वाली बात जैसे मैं गाड़ी पे एग्जांपल भी दी है फीलिंग्स उसकी फीलिंग अच्छी हो लोग भी उसके बारे में अच्छा फील करें वो चीज आ गई। देन ये एंड सेल्फ फुलफिलमेंट नीड यानी कि उसको आगे अचीविंग वन फुल पोटेंशियल वो अगर कोई कुछ जो बनना चाहता है वो तो वो अपने आप को वो शो करेगा कि हम जो भी वो बनना चाहते हैं वो चीज़ वो नीड इसके अंदर वो आ जाए। तो वो डिफरेंट जो नीड्स हैं वो मेज़लो हायरार्की ऑफ नीड्स ये सब बेसिकली मैं फोकस कर रहा था साइकोलॉजिकल नीड्स आपको साइकोलॉजिकल नीड जो है ना वो क्या है साइकोलॉजिकल नीड्स की बात करें जो कि हमने इस मॉडल में शो भी की है ये साइकोलॉजिकल नीड्स सारी चीज़ें। अच्छा जी फिर हम आगे चलते हैं मेज़लो को हमने पढ़ लिया आगे आगे ये परसेप्शन क्या है परसेप्शन ये अगेन मैं वो करूँगी ये स्लाइड में आ गई चीज ये पहले मोटिवेशन था मोटिवेशन के अंदर वो मेज़लो हायरार्की ऑफ नीड्स इसके आगे परसेप्शन बाय व्हिच पीपल सेलेक्ट ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट स्टिमुलाई इनटू मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पिक्चर एक परसेप्शन बना लेते हैं। फर्ज किया एक हमारी क्लास है तो क्लास की एक परसेप्शन होगी कि इसमें अच्छा पढ़ाया जाता है या नहीं अच्छा पढ़ाया जाता है किसी के बारे में कोई भी परसेप्शन हो सकती है। फर्ज किया मैं बीइंग अ टीचर आप लोगों की मेरे बारे में भी एक परसेप्शन होगी मैं अच्छा पढ़ाता हूँ बुरा पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स के साथ मेरा एटीट्यूड कैसा है लेडीज के साथ एटीट्यूड कैसा है मेल के साथ एटीट्यूड कैसा है एक ना डिफरेंट किस्म की बंदे की बातों से चीजों से जो उसके कंडक्ट से एटीट्यूड से तरीकाकार से एक परसेप्शन बन जाती है कि बंदा कैसा है। इसी तरह किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में परसेप्शन बन जाती है मुल्क के बारे में भी इसी तरह की परसेप्शन बनती है कि या परसेप्शन को क्रिएट किया जाता है जैसे पाकिस्तान को दुनिया में बाकी कुछ हमारे दुश्मन ममालक हैं जो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते तो उन्होंने एक डिफरेंट किस्म की परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की कि हाँ जी पाकिस्तान के बारे में तो जाहिर वो काउंटर परसेप्शन क्रिएट करके तो चीजों को काउंटर करना पड़ता है एक मॉनिस्टर होता है एक काउंटर कर ली जाती है। अच्छा देन कमिंग ओवर दी अभी वो जो स्टिमुलाई है मार्केट मिक्स ये ब्लैक बॉक्स की हम बात करेंगे बीच में आके कंज्यूमर करेक्टरिस्टिक्स की बात आ गई डिसीजन मेकिंग में क्या आता है रिस्पॉन्सेज है सारी चीजों का रिस्पॉन्सेज अभी देखे ना बेसिकली आप जो है ना कस्टमर को एड्रेस कर रहे हैं और उसमें ये सारी जब आपको एक मार्केट रिसर्च करते हैं तो सारी चीजें आपको छोटी से छोटी चीजों में देखनी पड़ती हैं। देखा जाए तो एक फॉर्मेट होता है उसमें सारे पॉइंट लिखे होते हैं और उसके आप नंबरिंग करते जाते हैं और एंड पे आपको एक कोई एक ना क्वांटिटेटिव
रिजल्ट मिल जाता है, वे कैसे करेंगे, जो एंड पे आप सर्व कर देंगे, हाँ जी आपकी जो प्रोडक्ट है वो खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, इसमें आप एंड पे आप भी इस नतीजे पे पहले पहुंचना होता है, आपकी वो चीज खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे तो फिर ये क्या कैसे कैसे होगा, नहीं खरीदेंगे तो जहर उसके भी आपके पास लॉजिक होना चाहिए कि क्यों नहीं खरीदेंगे, परसेप्शन को क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, देन आगे टाइमिंग, वर्किंग सेटिंग, सोशल सेटिंग, देन फैक्टर द परसीवर्स क्या है, एटीट्यूड, मोटिवेटर, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशन, देन फैक्टर इन द टारगेट एरिया, टारगेट जहर कौन है जी, जी कस्टमर है, नोवेलिटी है, नया है, मोशन है, साउंड है, साइज है, बैकग्राउंड है, प्रॉक्सिमिटी, अभी जो भी एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो बड़ी मैटर करती हैं, आपको किस तरह वो अट्रैक्ट करते हैं कि आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे अच्छी राय कायम कर लें या आपकी इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, ये एक टीजर लफ्ज बोलते हैं, टीज करने से, टीजर नहीं, आप एडवर्टाइजमेंट ऐसी चीज करते हैं कि आप टीज हो जाएं कि आप उसकी एडवर्टाइजमेंट को जरूर देखें, तरीकाकार ऐसा अख्तियार कर लिया जाता है, या हम जैसे कहते हैं डिफरेंट किस्म, जो हाई जो लोगों जिन मॉडल्स को या सेलिब्रिटीज को लोग पसंद करते हैं, अगर उनको वो लेंगे तो लोगों की अट्रैक्शन उस तरफ ज्यादा हो जाएगी, हाँ जी किसी मेन क्रिएटर का, क्रिकेटर का नाम ले लें, फिल्म एक्टर्स एक्ट्रेस का नाम ले लें, अगर वो होगी पहली तस्वीर, ये पहली झलकी उसकी नजर आएगी तो वो पहले बातचीत जनरलाइज करेगी वो असल चीज की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो चीज होती है कि इसको कहते हैं टीजर के, आपने पर फोर्स वो चीज देखेंगे, वो इस तरीका तरीकाकार इस तरह अख्तियार कर लिया जाता है, सिचुएशन टारगेट परसीवर की हम बात कर रहे हैं, देन फैक्टर इन्फ्लुएंस परसेप्शन की, हम अभी तक ये परसेप्शन पे पहुंचे थे, आगे हम लेट्स सी, आगे हम आगे जी लर्निंग पे, व्हेन पीपल एक्ट दे लर्न, कोई भी हम एक्ट करते हैं, हम लर्न करते हैं, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो क्या है जी आपका ये एक्ट है, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो दिस इज माई एक्ट, तो हम जो पढ़ाने वाला भी हर चीज पढ़ाने में भी लर्न कर रहा होता है, और जो सीखने वाला सुनने से, पढ़ने से, देखने से, वो भी चीजें लर्न कर रहा होता है, जो देखें जी लेक्चर जो बंदा सुनता है और जो नहीं सुनता, डेफिनेटली उसके अंदर फर्क तो उसके अंदर होना चाहिए, लर्न एंड डिस्क्राइब चेंजेस इन एन इंडिविजुअल बिहेवियर अराइजिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस, हर एक्सपीरियंस का तो मैटर करता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके बिहेवियर के ऊपर किस तरह का फर्क पड़ जाता है, देन इंस्ट्रूमेंट्स मेथड्स लर्नर सेंट्रिक सेंटर्ड क्या हो सकते हैं, आप जब इसको देखें ना, कॉपरेशन है, प्रेजेंटेशन है, पैनल एक्सपर्ट्स है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, क्रिएटिव मीडिया है, डिस्कशन है, स्मॉल ग्रुप है, KWL है, नॉलेज एक्सेट्रा, केस स्टडीज है, जिग्सॉज पजल जो थी, लर्निंग सेंटर एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीजें आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के पुट्स द थिंकर टू वर्क, आप कहते कोई भी चीज आप कहते ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, कोई आपको चीज नहीं आती लेकिन आपको मजबूर करते हैं, आप अपने आपको सोचे यार समथिंग उसमें लिखें, पेपर में आपको आपका बिल्कुल आउट ऑफ कोर्स जो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसको आपको अंदाजा नहीं है, फिर आप क्वेश्चन के वर्डिंग से अंदाजा लगा के सोचते हैं कि ये क्या चीज हो सकती है, ठीक है ना, आप उसकी बेस पे आप सोचते हैं, और उसके बेस बेहतर भी ये होता है कि पेपर में जो भी आपके जहन में आते हैं यू मस्ट राइट दैट, जो भी आपके जहन में, इंस्टेड के आप पेपर को ब्लैंक छोड़ दें, ब्लैंक छोड़ने की बजाय आप पेपर में कुछ ना कुछ जरूर लिखें उसमें, तो यू इट लाइकलीहुड होता है कि लिखने से यू वुड, अगर 10 नहीं तो कम से कम 2-4 नंबर मिलने के चांसेस जरूर होते हैं, अगर आप 100% लाइन पे आ गए, लाइन इन लाइन क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो हो सकता है मोर देन 50% आपको नंबर मिले, तो इसलिए कि कोई चीज ब्लैंक ना छोड़ें और उसके सोचें और उसके ऊपर अमल करें, क्योंकि अब एक्सपीरियंस के साथ बंदे को समझ आ जाती है क्या चीज है, फिर इंस्ट्रूमेंट वही लर्निंग की बात है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, देन इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, देन इंडिपेंडेंट स्टडीज है, इंटरएक्टिव स्टडीज है, इंटरएक्टिव किस तरह वो करते हैं, ग्रुप, लेबोरेटरी ग्रुप, डिस्कशन, कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप, तो ये एक है इंस्ट्रक्शन स्किल, ये इंस्ट्रक्शन की स्किल जो आ जाती है, कैसे इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है, एक्सपीरियंसमेंट लर्निंग आगे एक्सपीरियंस करके आपको दिखाते हैं, अभी का हर किस्म की एजुकेशन में हर चीज डिफरेंट होती है, मिसाल मेडिकल एजुकेशन में आप कहते हैं जी हाउस जॉब कर रहे हैं, हाउस जॉब से पहले जैसे क्लासेस ले रहे हैं जी, आपके वार्ड के अंदर ऑन ग्राउंड वो पेशेंट सामने लेटा हुआ है तो वो टीचर जो होगा उसका मेडिकल स्टूडेंट्स को बताएगा कि हाँ जी ये जो अपरेंटिस के सिम्टम्स ये हैं इस इंडिविजुअल से, उसको दे अलाउ देम टू राइट देयर हिस्ट्री, एक एग्जाम के तौर पर लिखते हैं, बंदा उससे क्वेश्चन करता है, हाँ जी क्या कहें, हाँ जी ये इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री है और इस बंदे को ये प्रॉब्लम है,
तो जब वो उसके उसके बेस पे उस तरह के फिर उनको टेस्ट किए जाते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट, एक्सरे वगैरह, व्हाटएवर इज रिक्वायरमेंट बेसिंग ऑन द डिजीज सब करके, तो फिर उसको फाइनली किसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम होती है। दे लर्न थ्रू लेबोरेटरी लेबोरेटरी टेस्ट एटसेट्रा, टैक्सोनॉमी एंड सिग्निफिकेंट लर्निंग है, फाउंडेशन नॉलेज है, एप्लीकेशन है, इंटीग्रेशन है, ह्यूमन डायमेंशन है, केयरिंग आगे, अगेन मैं फैक्टर इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर, ओवरऑल हम यही चीज पढ़ रहे हैं, बार बार हम ये मैं चार्ट दिखा रहा हूँ कि जैसे एक एक चीज आगे आ रही है, आपको एक सीक्वेंस वाइज लेके साथ चलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पता चलते जाए कि हम किधर चल रहे हैं, हवा में अदरवाइज ये तो नहीं कि हवा में हम आगे से आगे चले जाएंगे। अभी वैल्यू बिलीव एंड एटीट्यूड, वैल्यू क्या चीज है, पर्सन ओन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विच दे कंसिडर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, जो कि अभी देखो ये छोटा सर्कल है लेकिन जिसकी ग्रेट इंपॉर्टेंस उसको समझ नहीं आती है, ये होगा जी आपकी वैल्यू, मेन बेसिक वैल्यू है। सेल्फ रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ी वैल्यू है कि बंदा कहते हैं रिस्पेक्ट ऑफ द केस, मेरी रिस्पेक्ट के ऊपर किसी पे हर्फ नहीं आना चाहिए, ठीक है बंदा हम इट इज रिलेटेड टू मेल और फीमेल और ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल द एजेस, वो कहते हैं किसी लेवल पे बातें करे, गप लगाए, शुगर मिला भी लगता है होता है, लेकिन कोई होता है ना कि सर्टन लेवल पे जाके किसी के पेरेंट्स को ये कहते हैं कोई सिबलिंग्स को कोई बात कर दे तो वो बंदा नाकाबले बर्दाश्त होती है। अगर बाकी कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे आपस में डिबेट कर रहे हो, कहते हैं जी मुल्क का नाम आ गया तो फिर कहते हैं नो क्वेश्चन, हम यू आई विल नॉट एक्सेप्ट कि आप मुल्क के बारे में भी बात करें। तो हर लेवल पे हर चीज की डिस्कशन की एक वैल्यू होती है, ठीक है। अभी को एजुकेशन में जनरल बातचीत एज ए कलीग प्रोफेशनल तरीके से आप डील करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन जिसमें कोई बंदा मेल आ रही फीमेल को लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करें तो वो उसकी वैल्यू को हिट हो सकता है, लेकिन दूसरा बंदा डिपेंड करता है उसने अपनी वैल्यू के स्टैंडर्ड रखे क्या हुए उसके, तो वो उसको चीज को हिट करेगी तो वो कहते नहीं एक बॉटम लाइन है वो इससे नीचे नहीं, थिंग्स कैन नॉट गो फ्रॉम दैट। ओके, बिलीव क्या होता है, एन आइडिया दैट इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट एनी फैक्ट, अब कहते बिलीव कर लिया जी बस, या कह रहे हैं कि मिस्टर ए ने जो कह दिया वो ठीक कह दिया, तो वो इतना बिलीव होता है किसी बंदे के ऊपर, इतना पॉसिबल ट्रस्ट होता है उसकी हर चीज को बिलीव कर लिया जाता है, वो फैक्ट पे बेस करें या नहीं। एटीट्यूड क्या, वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग विद रिगार्ड टू समवन और समथिंग, एटीट्यूड क्या है। अब ये कहते हैं एक बंदे का एटीट्यूड है क्लास के अंदर, टीचर का एटीट्यूड डिफरेंट किस्म का हो सकता है कि वो जो भी स्टूडेंट मिलता है तो उसकी एक इंसल्टिंग तरीके से उसके साथ डील करता है, एक होते हैं बड़े प्यार से डील करते हैं, ठीक है गलती भी हो जाए कि नो प्रॉब्लम, उसको जो एक रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट मिल जाता है, वो उसको डिस्करेजमेंट नहीं मिलती। एक स्टूडेंट अगर क्वेश्चन करता है और अगर टीचर उसकी स्नब कर देता है, उसकी बेइज्जती कर देता है, तो नेक्स्ट टाइम शायद वो स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं करेगा और उसके अंदर जो कैपेबिलिटी या वैल्यू थी बातचीत करने की वो कम होते कम होती जाएगी। ये अगेन है वैल्यूज बिलीफ एटीट्यूड के एग्जाम्पल, देन चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू develop their own pace in their own way, believe their child well knowledge be knowledge should inform in regard in readiness attitude, children may initially struggle but they will successfully adapt to continue, कोई भी चीज क्वेश्चन के एग्जांपल देके वो शुरू में ऐसे होती है लेकिन बाद में कंपोनेंट रेकग्निशन है, वैल्यू बिलीव एक्सपेक्टेशन एटीट्यूड डिसीजन है, मुझे स्पीड इसलिए रखनी पड़ती है इसलिए ताकि टाइम में चीज कवर हो जाए, बिहेवियर्स हैं, रिचुअल्स हैं, राइट्स और पैसेज हैं, जैसे बिहेवियर वाली बात है, कोडिफाइंग बिहेवियर है, आर्टिफैक्ट्स हैं, आर्ट लिटरेचर फैशन लॉ एंड पॉलिसी लॉस टूल्स लैंग्वेज सिंबल्स, इन्हें बिलीफ एंड एटीट्यूड है, बिहेवियर है, आउटकम है, ठीक है एक ग्रेटनेस इसमें आई थी बिलीफ और इसकी बिहेवियर की तरह से, और बिहेवियर यू प्रोड्यूसेस द आउटकम, एंड पे क्या जी आउटकम आते हैं और आउटकम अल्टीमेटली इसको री एनफोर्स करता है, उसको ताकत देता है, इसकी बात आई थी, आउटकम कोई भी चीज़ का होता है आपके जो पहले चीज है उसको इम्प्रूव करने का चांसेस देते हैं, कोई भी चीज़ यानी बिलीव एंड एटीट्यूड और उसका बिहेवियर से लिंक, और ये दोनों चीजें इकट्ठी होती थी, जो भी आउटकम आता है आपको ओवरऑल पर्सनैलिटी पे अच्छा असर डालता है। बिग फोर इसमें अब उन्हें बिलीव एटीट्यूड बिहेवियर एंड वैल्यू, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अवेयरनेस पे बिलीव है, एटीट्यूड कलेक्शन ऑफ बिलीव लाइक्स डिसलाइक्स एक्शंस एंड बिहेवियर के स्पेशल सबसेट ऑफ बिलीव, अब माइंडसेट किसी का क्या होता है, हैबिट्स एंड माइंड है क्रिएटेड बाय एक्सपीरियंस क्रिएट ब्लाइंड स्पॉट्स आर सेल्फ डिसेप्टिव शेप ऑफ लाइफ लिव्स शेप ऑफ वर्ल्ड कैन बी डेवलप्ड कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। वैल्यू की बात आ गई, अभी वो मॉडल में हम आ गई, एक चीज आ गई थी वैल्यू, वैल्यू के एंड्यूरिंग बिलीव दैट स्पेसिफिक मोड ऑफ कंडक्ट इज पर्सनली पर्सनैलिटी आर सोशली प्रेफरेबल
टू अनदर मोड ऑफ कंडक्ट, इसमें जिसमें प्रेफर करते हैं लीव और एटीट्यूड की, जिसमें पहले भी एक्सप्लेन कर सकते हो, पैटर्न ऑफ नॉलेज है, लर्न टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड कंसिस्टेंटली, टाइप ऑफ बाइंग बिहेवियर में आगे आ गया जी, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, डेजोनेट है, हैबिचुअल है, वैरायटी सीकिंग है, कॉम्प्लेक्स में जो इन्वॉल्व होती है, हाईली इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट ब्रांड डिफरेंसेस, एग्जांपल कंप्यूटर की, ये पहले भी स्लाइड मैंने एक बार कर चुका हूँ, कॉम्प्लेक्स हो गया, डेजोनेट में आ जाते हैं कि लिटिल ब्रांड डिफरेंस चीजों में आ जाते हैं, कारपेटिंग की एग्जाम्पल, इसका कोई भी चीज की एग्जाम्पल आ सकती है, बर्गर की एग्जाम्पल आ सकती है, डिफरेंट आप कहते हैं के एफ सी है, मैकडोनल्ड है, आरडी है, बर्गर किंग है, तो वो उसमें है कि सारे बर्गर से है, कोई थोड़ा सा वेरिएशन होगी तो वो एक चीजें हैबिचुअल है, कि साल्ट नमक सब बराबर आ गया, वराइटी सीकिंग, कोई जो कुकीज है, बिस्कुट में वराइटी है, कपड़ों की वराइटी के ऊपर कोई फोकस करता है, शूज की वराइटी के ऊपर फोकस करता है, तो वो ओके वराइटी को अच्छी से अच्छी वराइटी के चक्कर में एक के ऊपर उसने अपने आपको स्टिक नहीं किया, ये सेम है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, वो जो पहले एक्सप्लेन किया डेजिनेट एक्सप्लेन किया डिटेल में, हैबिचुअल है और डिफरेंट इसके एग्जाम्पल्स दी हुई है, वराइटी सीकिंग है, और इसके बाद बाइंग डिसीजन बिहेवियर बात करते हैं, जब ये इसमें आ गए बाइंग डिसीजन बिहेवियर जो है बेसिकली क्या चीज होती है, अभी देखो ये दो को आप ये हाईली इन्वॉल्व और सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन ब्रांड्स, ठीक है, अब इन दोनों को मिलाते हैं तो ये क्या बन गया जी आपका कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, जो पहले मैं आपको स्लाइड में कहीं उसमें भी इस तरह एक्सप्लेन किया गया, ठीक है, हाई इन्वॉल्वमेंट आपकी बहुत ज्यादा डिटेल में आपकी इन्वॉल्वमेंट हो गई, सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन इसमें ब्रांड सिग्निफिकेंस डिफरेंसेस हैं, तो ये इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर आ गया। आज एक दूसरा चीज आ गई, दूसरी चीज ये आ गई आपकी कि ये सेम आपका आ गया जी ब्रांड और इसको आप इधर ले जाए तो वैरायटी सीकिंग और आपको लो एनवायरनमेंट, आपकी एनवायरनमेंट इतनी नहीं है, आप वैरायटी सीकिंग में गए और डिफरेंस सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ब्रांड्स है और इसमें आप दूसरे मॉडल पे चले गए, तीसरे मॉडल पे आप जाने के लिए आपने क्या करना है जी, आपका है जी फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन, इसमें था सिग्निफिकेंस डिफरेंसेस, इसमें बहुत कम डिफरेंसेस है, ठीक है, आप इस पे गए तो ये आपका तीसरे नंबर पे आ गया, पहले मैंने एक्सप्लेनेशन कर दी है डेजिग्नेट टू रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर और हाईली इन्वॉल्व, इसमें भी आप इन्वॉल्व हाईली इन्वॉल्व है, तो ये तीसरा ये आपका ग्रिड जो ये बन रहा है बाइंग बिहेवियर में, उसमें ये क्या डिफरेंस ये चीज आपने कह नहीं इसमें हाईली इन्वॉल्व है, इसमें बहुत ब्रेकिंग में गए लेकिन इसमें फर्क क्या गया, फ्यू डिफरेंस आपस में डिफरेंस कम है, चीज की वैरायटी के अंदर डिफरेंसेस कम है, बहुत थोड़ा फर्क है दोनों बीच में, बर्गर्स की एग्जांपल जैसे कि आपको मैं देती है, कपड़े की एग्जांपल भी इसमें हो सकती है, अभी है कि तीसरी एक आप कैटेगरी आ गई, आप तीसरी कैटेगरी आप फ्यू डिफरेंसेस आ गए और ये आप चले गए चौथे नंबर पे और ये आपका एक ग्रेड बन गया जी आपका हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, आपने नमक खाना है तो नमक है, ये पत्ती की भी हो सकती है, यूजली जो एक तरह की चीजें सारी मार्केट में अवेलेबल होती है, कुकिंग ऑयल भी हो सकता है, तो बात को देखे एक खास मतलब व्हाइट कपड़ा है जी वो सारे एक तरह के पहनते थे वो भी एक तरह का हो सकता है, तो जो ये है कि जिसमें क्या है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है और लो एनवायरमेंट है, आप कहते हो जाते हैं चीज विदिन 2 मिनट्स खरीद के तो ले आते हैं, ये भी है आप उसको इस एंगल से देखने वाली बात है, बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भी चीजें आ जाती है, तो नेक्स्ट है बाइंग डिसीजन प्रोसेस, बाइंग डिसीजन प्रोसेस क्या है, जैसे कि आपको कहते हैं प्रॉब्लम रिकग्निशन, कोई भी आपने चीज बाय करनी है तो एक बेसिकली एक स्टेप है, क्या चीज होती है बेसिकली आपने प्रॉब्लम को रिकग्नाइज किया भी आपने क्या खरीदना है, इन्फॉर्मेशन सर्च के आपने इन्फॉर्मेशन चीज जो खरीदारी करनी, अच्छा जी इसमें आपने कर लिया ये इन्फॉर्मेशन ले ली, अल्टरनेटिव एवेल्यूशन आपने कर ली क्या चीज आपने करनी है, देन अभी परचेज डिसीजन आ गया, पोस्ट परचेज डिसीजन एवेल्यूएशन, ये सारी चीजें, देन आपकी आगे जी जो है वो सेम वही चीज आपको ये ग्रिड में दिखा दी है कि जो चीज दिखाई गई है ये सारी वही स्टेप्स है आपने वो क्या की है, देन कल्चरल सोशल इंडिविजुअल एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट्स अफेक्ट ऑल दी स्टेप्स, वही तमाम सिर्फ इसमें तमाम चीजों पर कल्चरल सोशल इंडिविजुअल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर जो इसके तमाम फैक्टर्स के ऊपर अफेक्ट करते हैं, देन जी नीड रिकग्निशन रिजल्ट ऑफ एन इम्बेलेंस बिटवीन एक्चुअल एंड डिजायर्ड स्टेट, अभी जो आप एक्चुअल आपकी आप एक तो कोई भी आप डिजायर्ड स्टेट ये चीज में परचेज करनी है तो उसका ये उसके अंदर फीचर होने चाहिए,
खाने वाली चीज है तो इस तरह का टेस्ट होना चाहिए। अब कहते हैं जी हमने मटन कढ़ाई खानी है तो हाँ जी कोई, अब एक बंदे के जहन में एक पिक्चर बन जाती है कि ये बड़ा स्पाइसी होगा जी, और इसके बड़े वेल अरेंज तरीके से पेश करेंगे, एक बड़े बॉल में पेश होगी, देन अच्छे तरीके से प्लेटें लगी होंगी और जो बड़े कटलरी बड़ी साफ सुथरे तरीके से पेशकश होगी, एनवायरनमेंट बड़े अच्छे होंगे जी, और तो दाएं लोग खाने वाले भी जो अच्छे होंगे, तो आपको जाएगा किसको लाइट और म्यूजिक लगा होगा, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी हो सकता है कुछ, तो एक माहौल की होती है कि कढ़ाई खानी कढ़ाई है तो उसमें माहौल सारी चीजें हम एक आपने एक परसीव कर लिया कि इस तरह की होगी। तो लेकिन ऑन ग्राउंड जो होगा और जो दोनों का फिर फर्क आएगा तो वो चीज आपके जहन में फिर आएगी कि डिफरेंस क्या आ गया, जो आपने सोचा था और जो हो गया उसमें क्या फर्क आएगा। एक्चुअल एंड डिजायर्ड स्टेट जिनकी बात है, इंफॉर्मेशन सर्च क्या है, इंटरनल इंफॉर्मेशन सर्च, रिकॉल इंफॉर्मेशन इन मेमोरी, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन सर्च, सीक इंफॉर्मेशन इन आउटसाइड एनवायरनमेंट, नो नॉन मार्केटिंग कंट्रोल, मार्केटिंग कंट्रोल, ये डिफरेंट ब्रांड्स की हम बात करते हैं, ब्रांड एक्स वाई जी कोई भी ब्रांड है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। एवेल्युएशन अल्टरनेटिव, आप एवेल्युएट करते स्टेप्स बिटवीन एवेल्युएशन अल्टरनेट एंड परचेज डिसीजन, उसमें क्या हो सकते हैं एवेल्युएशन अल्टरनेटिव, परचेज इंटेंशंस आपकी क्या, आप क्या किस क्या इंटेंट क्या है, जेन में क्या है, एटीट्यूड ऑफ अदर्स, देन एंटीसिपेटेड सिचुएशनल फैक्टर, उसमें सिचुएशन क्या क्रिएट हो जाती है, अगर कोई है परचेज डिसीजन आप सब करते हैं उसमें, बाकी दाएं बाएं जो लोग बात करता है परचेजिंग करने जाते हैं तो आप किसी के साथ भी ले जाते हैं, तो आप चाहते थे कुछ और है लेकिन ये दूसरों का भी आपके ऊपर फैक्टर आ जाता है कि वो आपको किसी मोटिवेट कर देता है या कोई ऐसी बात कर देता है जो आप नहीं खरीदना चाह रहे हैं वो आप नहीं खरीद पाते, तो और वो दूसरे की बात पे आके फिर काम करना शुरू कर देते हैं। देन आगे जी वो परचेज डिसीजन में मार्केटिंग टू बाय और नॉट टू बाय, एंड बजाय जो पहली चीज तो आपने मैं पहली स्लाइड में दिखाया था कि बाय करनी है कि नहीं करनी, द टर्म व्हिच एटीट्यूड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर चॉइस, फाइव स्टेप्स इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन में, लेवल ऑफ कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट एट लेंथ ऑफ टाइम एंड मेक डिसीजन, कॉस्ट ऑफ गुड और सर्विस, डिग्री ऑफ इन्फॉर्मेशन, नंबर ऑफ अल्टरनेटिव कंसीडर, पोस्ट परचेज डिसीजन, वो मेन मॉडल में दिखाया था पोस्ट परचेज डिसीजन क्या होता है, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन कैन बी डिफाइंड एज हाउ वेल द प्रोडक्ट एक्चुअल परफॉर्म मेट द परसीव्ड एक्सपेक्टेशन, जैसे मैं एग्जाम्पल की आप जो सोचा था और उसके मुकाबले में उसने क्या चीज परफॉर्मेंस उसकी कैसी थी। आप गाड़ी खरीदने जाते हैं आप कहते हैं वो कहते हैं इसके अंदर ये 10 फीचर हैं मिसाल के तौर पे या 100 फीचर हैं, लेकिन आपको 100 के 100 फीचर जो आपको उन्होंने बताया कि जो मिल गए तो स्टेट होगी, अगर उससे कम है तो फिर क्या स्टेट होगी, अगर उससे ज्यादा मिल गई थोड़ी स्टेट होगी, अभी अगर कम है तो यू आर डिसअपॉइंटेड, अगर आपको जो कहा गया उस तरह मिल गई यू आर सेटिस्फाइड, अगर कम है उससे कम उससे ज्यादा मिल गई यू आर डिलाइटेड, ठीक है ना, बियॉन्ड द एक्सपेक्टेड लेवल आ गया तो यू आर डिलाइटेड, ये वेरी इंटरेस्टिंग चीज, तो कोई भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज खरीदते हैं तो उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, तो इसमें फर्दर आ गए स्टिमुलाई प्रॉब्लम रिकग्निशन के, अब ये सारी चीज मैं बताई पोस्ट परचेज एवेल्युएशन जब करते हैं आप खरीदारी के बाद, ठीक है, परचेज करने का डिसीजन है, परचेज करने के बाद आपने डिसीजन है कि आपको चीज पसंद हो कहना हाँ नेक्स्ट टाइम भी यही चीज खरीदें, अगर आप कहते हैं वो नहीं है तो फिर कहते हैं नेक्स्ट टाइम भी मैंने चीज ये नहीं खरीद, तो वो चीजों का भी ये फर्क पड़ जाता है क्या करना है। इंफॉर्मेशन सोर्स है, एवेल्युएशन क्राइटेरिया है, यानी इन्फ्लुएंस फैक्टर है, अचीव है क्लोथिंग स्टोर परचेज एक्सेट्रा, इसमें ये चीज आई थी, देन आपकी है जी मॉडल प्रोसेस में अभी वही रीनिगोशिएशन ऑफ पोस्ट, ये सारा कुछ उसी है, ये फैक्टर आ गए, सोशल इन्फ्लुएंस वाली बात इसमें आ गई, मार्केटिंग इन्फ्लुएंस वाली बात इसमें आ गई और सिचुएशनल इन्फ्लुएंस वाली भी ये बात इसमें फर्दर कैटेगराइज करेंगे। पोस्ट परचेज एवेल्युएशन में आ गई नीड रिकग्निशन, पोस्ट परचेज एम आई हैप्पी विद दी माई परचेज, ये बिगेस्ट क्वेश्चन होता है आप सब के लिए, कोई भी आप परचेज करते हैं तो आप सोचते हैं कि जो आप करना चाहते हैं वो मिल गया, यू आर हैप्पी और नॉट, आपने लेक्चर सुनना चाहते थे आपने लेक्चर सुन लिया और आपको डिजायर्ड नॉलेज मिल गया या आपके जेन में जो डाउट से वो क्लियर हो गए तो देन यू आर हैप्पी, अदरवाइज वो तीन स्टेट्स वाली बात है कि यू आर हैप्पी डिसेटिस्फाइड और डिलाइटेड, वो सारी सिचुएशन हो सकती है। इस तरह किसी के बारे में परसेप्शन, जिस तरह मैं एग्जांपल है आप टीचर के बारे में स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स के बारे में टीचर की,
ठीक है, टीचर जो है ना स्टूडेंट्स के बारे में क्या राय रख सकता है, परसेप्शन रख सकता है कि क्या चीज स्टूडेंट्स कैसे हैं, इंटरेस्टेड है नॉन इंटरेस्टेड है, और वो कहते हैं कंफर्ट सीकिंग है कि नहीं रमजान है तो कहते हैं जी 10 बजे तक उठना ही नहीं है, उससे पहले क्लास ही नहीं होनी चाहिए, ये भी इस तरह के माइंड सेट भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आ गई। देन 5 स्टेजेस बाइंग डिसीजन में स्टेजेस वही है, सेम प्रॉब्लम नीड रिकग्निशन इन्फॉर्मेशन सब इसको लिंक करें एग्जाम्पल के साथ। आपने कहीं जाना है तो ट्रेवल लुकिंग फ्लाइट टू सियोल साउथ कोरिया में जाना है तो आपने ट्रेवलर को देखा, इन्फॉर्मेशन आपने सारा चेक कर लिया कि इंटरनेट से बैंक से सर्वे कैसे हो सकता है, वैल्यूएशन आपने जितने भी आपको ऑप्शन मिले हैं एयरलाइन के सारे कुछ उसको आपने एवेल्युएट कर लिया, फिर आपने गो टू लोकेशन टू पे द चार्ज मनी, आपने जो गए एक्चुअल जगह पे टिकट खरीद ली ऑनलाइन है तो ऑनलाइन खरीद ली, देन पोस्ट परचेज स्पेंड मनी और गेट मोर वॉन्ट्स, बेसिकली आपने जब चीज टिकट खरीद ली आपने सफर कर ली तो आप फिर कहेंगे आपने अच्छा किया बुरा किया। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वही अगेन ये चीजें इसके इर्द गिर्द क्या चीज घूम रही होती है, इर्द इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस है ठीक है, और जैसे साइकोलॉजिकल मोटिवेशनल ग्रीप, अब इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस है, अब सोशल कल्चरल टेक्निकल इकोलॉजिकल पोलिटिकल लीगल एथिकल, देन ग्रुप इन्फ्लुएंस आ गए जो आपके ग्रुप के ऊपर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है आपस में सर सामने रखे ऑन करके आप देखें समझे तो आपको वैसे ऑटोमेटिक समझ आती है क्या चीज कैसे हो रही है। देन ग्रुप इन्फ्लुएंस आ गए, मार्केटिंग मिक्स इन्फ्लुएंस आ गए, 4 P's और प्लस 2 P's इस तरह वो भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपस में कोई डिसीजन मेकिंग आपने कोई करनी है तो आप करते, आप एक्चुअली ऑन ग्राउंड ये सारा कुछ कर रहे होते हैं जब भी आप परचेज करते हैं। हर बंदे ने जिंदगी में कोई ना कोई परचेज थिंक की होती है, छोटे होते हुए आप परचेजिंग शुरू कर देते हैं, आप घर वालों से पैसे लेते हैं, शॉप पे जाते हैं, खाने पीने की छोटी मोटी चीजें लेते हैं, तो वो आप एक किस्म के आपको बीइंग अ किड यू आर हैविंग द डिसीजन, आपको 50 रुपए मिले छोटे बच्चे को वो कहेगा अच्छा इसमें से क्या क्या चीज उसके लिए ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन क्या है उस वक्त के लिहाज से, नेक्स्ट टाइम हो सकता है उसमें से कुछ चीज पसंद नहीं है तो वो अपने ऑप्शन को चेंज कर ले, अगर चीज पसंद आई तो उसी को रखे, तो ये चीज जो है ना ये फिर आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है। ये अगेन मॉडल की बात आ गई ठीक है, बाइंग डिसीजन की ये बार बार इसको हमने बड़ी डिटेल में हमने पढ़ लिए, बाइंग डिसीजन में ये प्रोडक्ट चॉइस ब्रांड अभी इसमें आ गई थी, अवेयरनेस फॉर द न्यू प्रोडक्ट, आपकी नई प्रोडक्ट के लिए क्या चीज हो सकती है, अवेयरनेस इंटरेस्ट एवेल्यूएशन ट्रायल एंड अडॉप्टेशन है ठीक है जी, अवेयरनेस इंटरेस्ट अवेयरनेस ट्रायल अडॉप्टेशन है, अडॉप्टेशन प्रोसेस इज द मेंटल प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल गोज थ्रू फ्रॉम फर्स्ट लर्निंग अबाउट एन इनोवेशन टू द फाइनल यूज, ये अवेयरनेस इंटरेस्ट एवेल्यूएशन ट्रायल अडॉप्टेशन वही सारी चीजें आ गई। देन स्टेजेस इन द अडॉप्टेशन वही इसको स्टेजेस भी आप कह सकते हैं, कंज्यूमर इज अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, ये अवेयरनेस इंटरेस्ट है, कंज्यूमर सीक्स इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट प्रोडक्ट, एवेल्यूएशन कंज्यूमर कंसिडर्स ट्राइंग न्यू प्रोडक्ट, ट्रायल कंज्यूमर ट्राइज न्यू प्रोडक्ट, देन कंज्यूमर डिसाइड टू मेक रेगुलर यूज ऑफ दैट, कोई भी चीज एक नहीं आती है आप उसके बारे में पहले देखते हैं एवेल्यूएट करते हैं ठीक है, आपकी इंटरेस्ट क्रिएट होती है उसको आप इस्तेमाल करके देखते हैं, अगर वो इस्तेमाल करके आप उस बेस्ट फिट होती है तो आप फिर परमानेंटली उसको यूज करना शुरू कर देते हैं ठीक है। दैट्स अबाउट ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, एंड मैं जैसे बताया था इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिंदगी में आप हम लोग सारे कर रहे होते हैं, और जो है ना इसी को अगर हम जो ना इन चीजों को आप पढ़ें और सोचें कि आप बाजार में गए आपने चीज खरीदी है या खरीदते हैं तो क्या ये किस तरीके से ये तमाम फैक्टर ये मॉडल जो है ना आपके ऊपर ये फर्क डाल रहा होता है, अफेक्ट कर रहा होता है चीजें जो है ना आपकी उस तरह चल। ओके जी, थैंक यू वेरी मच दोस्त हु अटेंडेड दिस क्लास, और अल्लाह ताला आपको हमीन असर हो और अल्लाह ताला आपको कामयाबियों का बने अता फरमाए, थैंक यू।